सत श्री अकाल जी, इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे हो तुसी। मैं हाँ नीलम शर्मा, बुलेटिन का आगाज करांगे। जिते पाकिस्तान दे नाल लगदे पंजाब दे सरहदी जिलों दे विच पिछले कुछ दिनों तो पाकिस्तानी गुब्बारे मिलण दे नाल लोगों दे विच सहम दा माहौल सी। उत्थे अज जिला रूपनगर दे पिंड संधोआ विच एक झोने दे खेत विच लोगों नू पाकिस्तान दे झंडे ते गुब्बारे मिले ते जिस ते लिखिया होया है लव पाकिस्तान। लव पाकिस्तान लिखिया होया है ना गुब्बारियां ते, ते उस तो बाद लोगों में सहम का माहौल वेख्या जा रहा है। पिंड संधोआ का यह मामला है ते पाकिस्तान दे झंडे मिले इत्थे ते उस तो अलावा गुब्बारे मिले ने जिस ते लिखा है लव पाकिस्तान। रूपनगर विच पाकिस्तानी गुब्बारे मिले ने ते पाकिस्तानी झंडे मिले ने। सवेरे खेतों च मिले पाकिस्तानी झंडे। उत्थे झोने के खेत है जिहड़े रूपनगर विच किसानां नूं ये झंडे मिले ते इस तों अलावा एक गुब्बारे मिले। गुब्बारियां ते लिखा है लव पाकिस्तान। इस तो बाद इलाके में सहम का माहौल वेख्या जा रहा है। इस तो पहला भी सरहदी इलाकों में गुब्बारे मिलन दियां खबरां सामने आई सन ते अज रूपनगर तो एक खबर सामने आ रही है। रूपनगर में पाकिस्तानी गुब्बारे मिले ने। सवेरे खेतों में पाकिस्तानी झंडे भी मिले ते गुब्बारे भी मिले। गुब्बारियां ते लिखा है लव पाकिस्तान ते लोगों में सहम का माहौल वेख्या जा रहा है। रूपनगर में ये गुब्बारे मिले ने तो पुलिस मौके पर पहुंची, उन्होंने जांच की। रूपनगर में पाकिस्तानी गुब्बारे मिले ने जिस तो बाद सहम का माहौल वेख्या जा रहा है। रूपनगर में लोगों विचाले तो सवेरे के समय खेतों मिले ये गुब्बारे ते पाकिस्तानी झंडे। गुब्बारियां ते लिखा है लव पाकिस्तान। इन्होंने गुब्बारियां ते लव पाकिस्तान लिखा है ते उस तो बाद पिंड संधोआ विच सहम दा माहौल वेख्या जा रहा है। आजादी दिहाड़े तो पहला भी मिले सन सरहदी इलाकों तो, पर अज रूपनगर तो ये तस्वीरां सामने आई। ऐसी खबर से वधेरी जानकारी देने लई साडे सहयोगी मनप्रीत चहल साडे नाल जुड़ गए ने। जी मनप्रीत, की कुछ जानकारी? जी नीलम, अज तड़कसार की गल है जदों नूरपुर बेदी जो कि जिला रूपनगर की सब डिविजन है उस पिंड संधोआ पैंदा है जिथे हरे रंग ते सफेद रंग के जिन्होंने पाकिस्तानी गुब्बारे भी कहा जा सकता वो देखे गए। जे जदों ये गुब्बारे पिंड वासियों वल्लों देखे गए तो उत्थे सहमता माहौल छा गया। उस बाबत जदों पुलिस को खबर की गई तो पुलिस ने सारे एरिए कॉर्डन ऑफ कर लिया गया। जिहड़े गुब्बारे उत्थे सीगे उन्होंने अपने कस्टडी विच लै लिया गया। जी मनप्रीत, ते पुलिस वालों की कुछ कार्रवाई की जा रही है? पुलिस मौके ते पहुंची? जी बिल्कुल, पुलिस मौके ते पहुंच चुकी थी। इस बाबत जिले के एसएसपी जो अखिल चौधरी ने आईपीएस ने उन्हों का कहना सीगा कि इस बाबत पूरी गहन छानबीन की जाएगी। तो पहली नजर के लगता है कि यह गुब्बारे नजदीकी जगह के छड़े गए हैं क्योंकि इन कई गुब्बारे ऐसे हैं जिन्हों में हवा हवा हाले फुल है ते इस करके इसनों भी एंगल तो देखा अखों परोखे नहीं किया जा सकता। मनप्रीत, जिले में आज सुरक्षा नूं लेके की कुछ प्रबंध किए गए? जी सुरक्षा नूं लेके पूरे चाक चौबंद प्रबंध किए गए सन। जिले के सारे पासे नाकाबंदी की गई थी। शहर के इन ते आउट दे उते गहन चैकिंग की जा रही थी कि ताकि कोई भी अनसुखावी घटना ना वापर सके। इसलिए सुरक्षा जे पक्षों जेकर देखा जाए तो पुलिस पूरी मुस्तैद दिखाई दी और चाक चौबंद पूरे सही सन। मनप्रीत, इस तो पहला सरहदी इलाकों तो ये खबर सामने आई गुब्बारे मिलन दी ते इस बारी रूपनगर तो मिले ने ते लोगों विच किस तरह का माहौल वेख्या जा रहा है, की कहना है लोगों का? गल की गई तो लोगों के बिल्कुल सहमता माहौल जरूर सीगा। तो लोगों का कहना सी कोई शरारती तत्व हो सकते हैं जो इस कोई घटना अंजाम देने की कोशिश करते हो कि लोगों के सहमता माहौल हो। दूजे पास जो पुलिस अधिकारियों ने गल की गई उन्होंने कहा कि सिचुएशन जी है इस वक्त माहौल जो पूरा अंडर कंट्रोल है तो किसी भी शरारती अंसर को बख्शा नहीं जाएगा जिस वालों ऐसी घटना अंजाम दिया गया। बिल्कुल, 15 अगस्त का मौका है तो इस दौरान शरारती अंसर अक्सर अपने एक हरकतां करते नजर आते ने। तमाम जानकारी दे लई बहुत बहुत शुक्रिया मनप्रीत। तो लोगों में सहम का माहौल वेख्या जा रहा है। गुब्बारियां ते लिखे लव पाकिस्तान। रूपनगर में एक गुब्बारे मिले ने, पाकिस्तानी झंडे भी मिले ने। पिंड संधोआ का मामला है जिथे लोगों में सहम का माहौल वेख्या जा रहा है। रूपनगर में पाकिस्तानी गुब्बारे मिले ने ते सवेरे खेतों में झोने के खेतों में पाकिस्तानी झंडे मिले ते गुब्बारे मिले। हुण अगे वधांगे गल करांगे जलंधर दी।
एएसआई दे लड़के दा कतल होया जलंधर विच दो धिरां दी आपस विच झड़प हो गई सी ते फिलहाल लाश नूं पोस्टमार्टम लई भेजिया गया। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दित्ती गई है। दो धिरां दी झड़प होई सी जलंधर दा इह मामला ते पोस्टमार्टम लई लाश नूं भेज दित्ता गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दित्ती है। दो धिरां दी आपसी लड़ाई होई ते उस तों बाद एक कतल कर दित्ता गया। फिर जब शिनाख्त हुई डेड बॉडी दी ते वो एएसआई दा लड़का सी। ऐसी खबर ते वधेरी जानकारी देने लई जलंधर तो साडे सहयोगी राजीव जुड़ गए ने। राजीव, की कुछ जानकारी एएसआई दे लड़के दा कतल होया? जी, कल रात जिथे इथे जिहड़ी रेड अलर्ट सीगा पूरा अपने 15 अगस्त नूं लैके, उस रेड अलर्ट दे विच जलंधर ਦੇ ਕੈਂਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੋ ਧਿਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਭਿੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਈ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਲਬਾਜ਼ੀ, ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਦੂਜੇ ਧਿਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਤਲ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਧਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਜੀਵ, ਇੰਨੀ ਟਾਈਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੀ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਸੀਗਾ। ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਸਤੈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਏਐਸਆਈ ਦਾ ਹੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਬਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ तमाम जानकारी दे लई बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। सो जलंधर विच एएसआई दे लड़के दा कतल होया, दो धिरां दी आपसी लड़ाई होई ते इस दौरान कतल हो गया ते जदों शिनाख्त होई लाश दी तां ओह एएसआई दे लड़के दी सी ते पोस्टमार्टम लई भेजी गई है फिलहाल लाश ते पुलिस वल्लों जांच कीती जा रही है। 15 अगस्त दा समां, इस समय सिक्योरिटी बहुत टाइट होंदी है, सूबा ऑलरेडी रेड अलर्ट ते उस तों बाद वी इस तरह दीआं वारदातां सामणे आणा इक वड्डा सवाल पुलिस प्रशासन ते। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ETT ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ETT ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਠਕ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ
ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।